छोटू, अब ये रिक्शा वाला मुझसे दोबारा पैसे मांगे और मेरे पास पैसे है नहीं। क्या रे, तेरे को पैसे चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बाप मुझे जाने दो। तो फिर जा, चल निकल। रिक्शा की काली बिल्ली साइडी बहन। हाँ? चंदू भाई तो कान्या पानोले के पास भी नहीं आया और निशा जी के ढाबे पर भी, कहाँ गया होगा फिर? हाँ, लगता अपने आइटम के साथ पिक्चर देखने को गया होगा। लगता है इधर में कुछ लफड़ा है। साइडी बात मिजर पे छोड़ रहा, अपू माता है। कैप्टन जो, विकाल यहाँ है। कहाँ? चंद्रकांत शास्त्री के आउट हाउस में। तुम उससे दूरी रहना। छोटू कहाँ है? यहाँ मेरे साथ। तू छोटू का ख्याल रखना, मैं विकाल को देखता हूँ। विकाल, मर्द औरत के पीछे नहीं चलता। हमारे हाथ में क्या जो लोग देखते, पूछ रहा हूं क्या हुआ? कैप्टन व्योम के दिल की धड़कन रुक चुकी है। क्या? हाँ, वो मर गए। मर गए? ये क्या हो गया? क्या हुआ चंदू भाई? क्या हुआ मेरे हीरो को चंदू भाई? कैप्टन व्योम, क्या हुआ चंदू भाई मेरे हीरो को चंदू भाई? चंदू, तुम पास चेक करो, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ, एम्बुलेंस बुलाती हूँ। कैप्टन व्योम मर चुके हैं, अब उन्हें अस्पताल ले जाने का कोई मतलब नहीं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। उस अंगूठी में एक खास किस्म का जहर था जो किसी के छूते ही सीधा दिमाग तक पहुंच जाता है। कैप्टन व्योम का दिमाग नाकाम हो चुका है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, अब उनका रो मर नहीं सकता है। साइडी भाई कुछ करना, साइडी भाई उसको जगाना। मेरे को मालूम है मरा नहीं, वो मरने का नाटक कर रहा है। चंदू भाई, चंदू भाई कुछ करो ना, तो इतना बड़ा बड़ा मशीन रिपेयर करता है, अपन तो हीरो को रिपेयर करके देना। चंदू भाई, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं होगा। चंदू भाई, इसी के लायक हूँ। मेरी छोटी सी लापरवाही की वजह से आज कैप्टन व्योम को अपनी जान गंवानी पड़ी। विश्वास नहीं होता, मेरा अपना शागिर्द
भविष्य से मेरी जान बचाने के लिए आया हुआ आज मेरे ही घर में मेरे ही हाथों। चंदू, होनी को कौन टाल सकता है? तुम क्यों अपने आप को कोस रहे हो? ये तुम्हारा किया हुआ तो नहीं है ना? लेकिन मेरी लापरवाही की वजह से उमा। देखो चंदू, ये सब विकाल ने किया, वो यहाँ इतिहास बदलने के लिए आया था। तुमने तो ऐसा कभी नहीं चाहा, तो फिर अपने आप को क्यों कोस रहे हो? इतिहास बदलने? उमा, चलो मेरे साथ। कहाँ? मत पूछो कहाँ, बस चलो। अरे चलो मेरे साथ। क्या बात कर रहे हो, क्या तुम लोगों को यहाँ ऐसे छोड़? अरे इन्हीं के लिए उमा, हमें इस विकाल वाली टाइम मशीन में बैठकर अपने ही आधे घंटे पहले के इतिहास में जाना है, तब जब कैप्टन व्योम जिंदा थे, और वहां जाकर उस समय में जाकर हमें इस अनहोनी को बदल देना है। विकाल क्या इतिहास बदलेगा, इतिहास तो चंद्रकांत शास्त्री बदल कर दिखाएगा। चलो चलो। ऐसे जाता है मानो। प्रणाम मास्टर। कौन हो तुम? अरे दोदू चंदू। जिस तरह तुमको दो दो टाइम मशीन दिखते हैं ना, वो दोनों असल में एक ही हैं। उसी तरह तुमको दो चंदू दिख रहे हैं, जो दोनों असल में एक ही हैं। बस फर्क इतना है कि मेरी उम्र कुछ चंदू से आधा घंटा ज्यादा है। कैप्टन व्योम, आपका शागिर्द भविष्य से आया। आज से 1500 साल बाद का एक खतरनाक गुनहगार विकाल आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया है। पॉइजन रिंग देख रही हो? तुम्हें किसे पता वो पॉइजन रिंग है? अरे मुझे मालूम है कि आधे घंटे पहले मैंने क्या किया था और उसके बाद क्या हुआ। बहस मत कर दियो। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? आप ही ने मुझे यहाँ भेजा है विकाल को पकड़ने के लिए। मैं तो आपसे मिलने तो नहीं आया। कमाल है भाई, अभी अभी तुमने ही तो कहा मुझे खत्म करना चाहता है। अगर वो यहाँ आता तो मैं तुम्हें यहाँ मिलता जिंदा, वो मुझे मार नहीं डालता। नहीं, विकाल आपको अभी नहीं मारेगा, क्योंकि ये आपकी टाइम मशीन अभी पूरी नहीं हुई। वो इसे चुराना चाहता है। जब तक ये टाइम मशीन पूरी नहीं होती, वो आपको कुछ नहीं होने देगा। और याद रखिए, वो बहुत चालाक है। एस्ट्रो, एक मिनट। चल 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 ना यार, चल। आइए। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अगर आज कैप्टन व्योम नहीं होता तो। कौन था? विकाल। विकाल। कितनी दवाई से उसने हम दोनों को जहां से भी ले लिया, और भविष्य से आए तुम्हारे असली शागिर्द कैप्टन व्योम है, विकाल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन व्योम, आज तुमने उमा को विकाल से बचाकर हमेशा के लिए मुझे अपना कर्जदार बना दिया। ऐसी कोई बात नहीं है अष्टगुरु, ये सब भूल जाइए, भविष्य की सोचिए। आप दोनों को एक साथ 1500 साल जीने की तैयारी करनी है। सच? मतलब आप दोनों की शादी तय नहीं हुई अभी तक? शादी? शायद मुझे आपको ये बात बतानी नहीं चाहिए। अरे बता दिया, बड़ी मेहरबानी कैप्टन व्योम। उमा, उमा जी, क्या शादी करेंगे? ठीक से सुना नहीं मैंने। हाँ, मैं आप शादी करूँ। साइडी भाई, अब तुम कह रहे हो ना चंदू भाई और उसके आइटम को एक ही डायलॉग में सेट कर डाला ना? ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या बड़ा हो गया? कभी किसी से प्यार नहीं किया क्या? प्यार क्या होता है? पानी कम चाय की कसम साइडी भाई, तो बहुत बड़ा ना गिरे ना, तेरे को बूंदी का लड्डू नहीं मालूम। चल वो तो समझा, क्या तेरे को प्यार भी नहीं मालूम? साइडी भाई, लगता तेरे को हैंगिंग गार्डन लेके जाना ही, क्योंकि उधर के सारे कोने कब्जे में दिखता है कि प्यार क्या होता है। छोटू एस्ट्रो गुरु,
आप दोनों को हम तीनों की तरफ से शुभकामनाएं। ए, अपुन तिनिया पे कबाब में अड्डी क्यों बन रहा है? चल अपुन जैसे कल्टी होते। कल्टी? कल्टी बोले तो खिसकना। ऐसे जरूर। छोटू की तरह मैं भी चाहता हूँ कि इस खूबसूरत मौके पर आप दोनों को अकेला छोड़ दूँ। पर क्या करूँ? ऐसा मैं नहीं कर सकता। विकार किसी भी वक्त वापस आ सकता है। नहीं कैप्टन जो, हमें छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप ही रुकिए। एक रास्ता है। क्या? अगर आप दोनों टाइम मशीन में सैर करने जाएं, तो सैर की सैर भी हो जाएगी और विकार का खतरा भी नहीं रहेगा। बोलो मत, कहाँ जाना चाहोगी? ताजमहल को बनते हुए देखना चाहोगे? बनते हुए? हाँ जरूर। घूम आइए इतिहास में ऐसे भी चले। हाँ कुछ ऐसे ही। कचा मशीन दबा, सीधा खुल लो क्या? इसको टाइम मशीन कहते हैं। क्या वो सीधा आगरा पहुंच गया क्या? हाँ, लेकिन इस समय के आगरा में नहीं, उस समय के आगरा में जब एक शहंशाह ने अपने प्यार को ताजमहल का रूप देकर अमर कर। हुआ कैप्टन भी हो, ये प्यार क्या होता है? प्यार वो चीज है जो जो चंद्रकांत शास्त्री और उमा फिल्मा। कैप्टन व्योम, ये प्यार क्या मुझे भी हो सकता है? पता नहीं, हो सकता है, पुलर को पूछना पड़ेगा। चंद्रमा कब तक आएगा? पता नहीं। नहीं, अपुन सोच रहा था कि साइडी बाय और अपुन टाइम मशीन में बैठकर हैंगिंग गार्डन घूम के आता था ना। वैसे डीआईजी साहब ने हेलीकॉप्टर नहीं दिया और ऊपर से ऑर्डर दे दिया 24 घंटे के अंदर दोनों उड़ने वाले चाहिए। 4 घंटे तो बीत चुके हैं। साहब, ये जो बाउंड्री है ना, इसके ऊपर उस दिन में खड़ा रह के ऐसा आराम से गाना गा रहा था, तब मेरे को वो दोनों है ना इधर इधर दिखाई दिए। यहाँ? पक्का याद है? पक्का बोले तो एकदम पक्का। साहब आप बोलते हैं तो अभी नाकाबंदी कर दूं क्या इधर? नाकाबंदी? अरे आसमान में उड़ने वाले कैदियों के लिए नीचे नाकाबंदी करके क्या मिलेगा? आप समझते हैं नहीं ना साहब, यही तो तकलीफ है। आप मेरे को बताओ, आजकल कोई भी कैदी नाकाबंदी के बिना पकड़ा जा सकता है क्या? हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन एक बात बता कि तू इधर नहीं उधर नाकाबंदी करेगा कैसे? साहब अपने पास हेलीकॉप्टर नहीं है तो क्या हुआ, अपने पास ऐसे ऐसे हथियार है ना, इनको लेकर हम इधर बैठ के ऊपर आसमान में नाकाबंदी कर सकता है। ये देखो। लेकिन तुम्हें लाया कहाँ से? मैं गया था ना उधर पतली गली में। हाँ। क्या मैं जैसे उधर खड़ा होता हूँ ना तो मेरे दिमाग में नई नई आइडिया आने को चालू हो जाता है। ये देखो, ये है ना, ये पतंग है और ये जो है ना ये सूरत का पतला वाला मांझा। हम यहाँ पतंगबाजी करने नहीं आए। नहीं नहीं, पतंगबाजी नहीं, निशानेबाजी। और इन दोनों हथियारों से हम उन दो गुंडों को दो तरीके से नीचे गिरा सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? पहले पहला बताता हूँ ना। हाँ बता। ये देखो, ये जो मांझा है ना, उसको ऐसा पकड़ के उनका गले पे सीधा चला के गला काट देने का। और अभी दूसरा बताता हूँ। ये है ना, ये पतंग का नोक है, नोक। हाँ, इसके ऊपर है ना वो खाजकुदली लगाया। खुजली बोले तो वो खुजली का पाउडर। हाँ, वो जैसे अपन क्या करेंगे, हम उनको देखते रह जाएंगे, जैसे उनको आसमान में देखेंगे पतंग से उनको फॉलो करेंगे। जैसे ये जो नोक है ना उनको टच करेगा तो वो खुजलाने को चालू करेंगे, ऐसा 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 ऐसा। और जैसे हम में कादर खान कैसे खुजलाता था ना, वैसे खुजलाते खुजलाते प्रभु देवा की तरह ब्रेक डांस करते हुए सीधा नीचे गिर जाएंगे। गुड। और हाँ, और है ना, ये देखो आईना। क्या कर रहा है यार, मजाक कर रहा है? अभी आपकी आंख को जैसा मारा ना वैसे उनकी आंख को भी ये मारेगा और वो रास्ता भटक जाएंगे और सीधा नीचे। ये तेरे हाथ में ये सोडा बोतल की तरह क्या है? ये सोडा बोतल लगता नहीं, सोडा बोतल है। अच्छा अच्छा, तो इससे उन दोनों को फेंक के मारेगा? नहीं तो फिर लगेगा। ये क्या है? ये ना, ये हो गया होली का रॉकेट। दिवाली का? नहीं नहीं, हमें होली में उड़ाते हैं। तो ये जो है ना इधर ऐसा आग लगाने का और फिर अच्छा आप समझा, यानी कि उनके कपड़ों में आग लग जाएगी और वो फिर अपनी आग बुझाने के लिए मॉडलिंग बीच में उतरेंगे। तुकाराम, तुम्हारे 24 साल के कैरियर में, नहीं नहीं 18 साल के, हाँ 18 साल, तुम्हारे 18 साल के कैरियर में पहली बार तुमने झंडे से नहीं अपनी अकल से काम लिया। मैं तुम्हारी सिफारिश डीआईजी साहब से करूंगा। धन्यवाद देव, तुमसे भला करो। तुकाराम एक बात तो बता,
ये दोनों उड़ने वाले हैं कहाँ? तुकाराम, देखा देखा देखा, देखा ना देखा, देखा देखा ना देखा, हाँ ना, था था था, कील था। तूने ठीक से देखा? हाँ, साहब मैं भी पहले यही समझा था कि आदमी है, लेकिन क्या बाद में उसने चील 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 चिल्लाने को चालू किया, इसके लिए मैं समझा कि चील है, बाद में मैं रुक गया। तुकाराम, हो सकता है उसने हमें उल्लू बनाने के लिए ऐसा किया हो, वो आदमी हो और हमें चकमा देके भाग गया हो। हाँ, आपको देखकर उसने ऐसा किया होगा। और फिर शट अप। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आप तो इंस्पेक्टर है ना, और मैं क्या मामूली हवालदार हूँ। हाँ, वो तो मालूम है मुझे। ये दिखा किधर है तुकाराम? बोले जहाँ जहाँ मैं देख रहा हूँ ना, मुझे फॉलो कर रहा है। फॉलो कर रहा है? हाँ साहब, लगता है आपको उसने देख लिया। क्या तुकाराम, मुझे वो गोल गोल दिखाई दे रहा है, पत्ती की तरह। गोल गोल पत्ती की तरह? हाँ साहब, जरा आप मेरी तरफ देखिए। पत्ती की तरह नहीं, सचमुच का पत्ती है, चिपका था। तुकाराम, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। क्या हो गया? कुछ हो गया है। मुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा, मुझे सब कुछ उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन साहब ने आपको बोला था ना, ज्यादा शराब मत पियो। अरे लेकिन आपको तो शराब पिए हुए 6 घंटे हो गए। तो आराम से 12 घंटे बचे हैं। 12 घंटे? हाँ, तुझे मालूम है ना 12 घंटे कितने होते हैं? 12 घंटे? 12 घंटे 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे? तम्बाकू खाता हूँ। साहब कुछ मिल गया क्या? क्या दिखा? नहीं साहब, मेरे हाथ में खुजली हो रही है, इधर भी। साहब लगता है मैंने तंबाकू की जगह वो खुजली का पाउडर था ना, वो हाथ में लेके मल लिया। इसका मतलब तूने वो पतंग के ऊपर खुजली की पाउडर की जगह तंबाकू लगा दिया? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, तंबाकू भी ऐसा है ना, एकदम असली पंडरपुरी। पंडरपुरी बोले तो? पंडरपुरी पंडरपुरी। हाँ, तंबाकू भी ऐसे, जैसे पतंग उसको टच करेगा ना, तो उसको जोर से छींक आएगी, फटाक। और फिर आपको तो मालूम है क्या होगा? क्या होगा? अरे वो दोनों नीचे गिर जाएंगे। तो फिर जब हम दोनों के अलावा जब तक पूरी बंबई ऊपर नहीं देखेगी, वो दोनों नहीं पकड़े जाएंगे। और एक आइडिया। अरे यार, तेरे ये पतंग, मांझा और सोडा की बोतल कुछ नहीं चलने वाला, सब बेकार है। अरे साहब सुनो तो सही, मेरे अगली आइडिया में ना ये सब आइटम फिट होने वाले नहीं है। अच्छा, चलो आपको बताता हूँ। अरे चल। नहीं, चलिए ना सर, चलो। क्या फास घुमा के ले गया? सही है बाप। क्या बात है सुगुरु, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, लेकिन एक बात बताओ कैप्टन, ये क्या है? ये तो पॉइजन रिंग है, हमारे समय का हथियार। ये आपको कहाँ मिली? ये मुझे विकाल ने दी। विकाल? विकाल? और जब आप उमा को विकाल के हाथों से बचाकर लौटे थे, मैंने ये पहन रखी थी। और फिर मैंने तुमसे हाथ मिलाया और तुम मर गए। मर गए? ये आप क्या कह रहे हैं अश्चुरु? हाँ, फिर मैं और उमा इतिहास में वापस गए, अंगूठी बदली और इतिहास भी बदल गया। मेरी समझ में अब आया है व्योम कि मैं कितना खतरनाक, कितना भयानक आविष्कार कर बैठा हूं। अरे मैं तो सिर्फ अपनी आधे घंटे पहले की भूल सुधारने के लिए इतिहास में गया था, लेकिन अगर ये मशीन किसी गलत आदमी के हाथ लग जाए तो वो तो जो जी चाहे कर सकता है। व्योम जरा सोचो, अगर कोई इस टाइम मशीन के जरिए चला जाए 1869 में पोरबंदर शहर में और वहां जाकर एक बच्चे का गला घोंट दे, तो कौन बड़ा होकर मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाना जाएगा? किसके अहिंसावाद से घबरा कर अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाएंगे? मुझसे बड़ी भूल हो गई व्योम, मुझे ये टाइम मशीन बनाना ही नहीं चाहिए था। अगर ये मशीन विकाल जैसे आदमी के हाथ लग जाए तो दुनिया तबाह करके रख दे। बोलते क्यों नहीं विकाल?
समझा, आप बोल नहीं सकते क्योंकि आप अभी तक 20वीं शताब्दी में। आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। मैं ठीक समझा ना विकास? ठीक है, आप तो इतिहास बदलने गए थे, अभी तक तो कुछ बदला हुआ नहीं दिख रहा। क्या एस्ट्रो गुरु की हत्या अभी तक नहीं हुई? कैप्टन व्यू, वो वहां क्या कर रहा है? लेकिन काला साया कभी यही मानना कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, इतिहास को बदलना होगा। आप वही बने रहिए, एस्ट्रो गुरु की हत्या कीजिए और कुछ मत कीजिए, बाकी सारा काम इतिहास पर छोड़ दीजिए। उसकी टाइम मशीन को बनने में और कुछ दिनों की देर है, तो क्या आप वही उसी समय में छिप रही टाइम मशीन के पूरा होने का इंतजार कीजिए, एस्ट्रो गुरु की हत्या कीजिए और कुछ मत कीजिए? मैं जरूर काला साया का एक मामूली साया, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि बेहतर यही है कि आप कुछ मत कीजिए, टाइम मशीन के पूरा होने का कुछ मत कीजिए, सिर्फ इंतजार कीजिए। Subscribe today.